and welcome back to the channel. Well, Sidhu Moosewala लेट किया जो एक न्यू सॉन्ग आया है SYL वो काफी इसके ऊपर काफी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं. मतलब जब ये सॉन्ग आया था तो उसके कुछ ही दिन के बाद एक लीगल नोटिस किया इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यूट्यूब को कि इस सॉन्ग को रिमूव कर दिया जो ये हो भी गया था. बट आफ्टर सम टाइम जारी बात है मैनेजमेंट टीम और लीगल टीम ने अप्रोच किया यूट्यूब को सिद्धू मूसेवाला सर जी के टीम ने तो वापस सॉन्ग आ गया. तो इसी रिक्वेस्ट आ रही थी यार एटलीस्ट सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट करो फिर क्योंकि नॉट इवन इन हजारों लाखों इन मिलियंस में कमेंट्स हैं और करोड़ों में व्यूज हैं. तो बैन करवाने के बाद जब वापस आया तो ये क्योंकि हेडलाइंस बन गई थी इवन पाकिस्तान में कि ज़्यादा इसकी अप्रोच ज़्यादा फैल गई इस सॉन्ग की कि क्यों बैन किया गया लेकिन अब वापस आ गया है. तो देखते हैं ये सॉन्ग क्या है वह आपको बताते चलें क्योंकि लेजेंड नेवर डाइज. तो एक सैड न्यूज़ थी लास्ट मंथ बहुत बुरी खबर थी कि जो अटैक हुआ एंड सो ऑन. अब हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे लेकिन ये कि लेजेंड नेवर डाइज इंसान क्योंकि एट द एंड देखो कि उनके मरने के बाद भी उनका नाम जिंदा है लोग कैसे याद कर रहे हैं अभी तक लोगों के दिलों में है लोगों के दिलों में. और मतलब ज्यादा फैंस बने ज्यादा सब्सक्राइबर्स बने ज्यादा लोगों को पता चला है कि और ज्यादा लोगों के दिलों में वो फिर बस गए. इवन जिन लोगों ने उनके सॉन्ग भी सुने हुए थे ना उसके बाद वो सॉन्ग सुन रहे तो वो सॉन्ग प्ले लिस्ट में आ गए. और अफसोस हुआ है बहुत यंग एज में मर्डर कर दिया है उनका जो कि मतलब एक बहुत गलत हरकत है. आप किसी को कैसे मार सकते हो और एटलीस्ट अगर यही सिद्धू मूसेवाला सर जी की ना अगर डेथ टू बी ऑनेस्ट डेथ नेचुरल डेथ हुई होती या एक्सीडेंट हुआ होता मैं मुझे इतना दुख ना होता. लेकिन किसी को मार देना हाँ एक अपनी डेथ होती ना मैं ये कहता यार यंग एज में नहीं होना चाहिए बट आप किसी को मार दो ये बहुत गलत है कि किसी को भी नहीं मारना चाहिए. और ऊपर से एक ऐसे बंदे को जो कि इतना दिनों में लोगों के राज कर रहा है जो प्रोडक्टिव वर्क कर रहा है एक तो वेला निकम्मा बंदा भी नहीं है कि मतलब होता है ना वेला निकम्मा बंदा मर जाए तो इतना दुख नहीं होता क्योंकि लेकिन एक ऐसे बंदे को मार दो जिसके हजारों लोगों के जो दिलों की धड़कन है जो इंडिया की GDP में इकोनॉमी में अपने व्यूज और सॉन्ग्स की वजह से इतने फैन फॉलोइंग ला रहा है इतना पैसा ला रहा है इंडिया की ग्रोथ हो रही है आवाम अराउंड द वर्ल्ड जाना जा रहा है और आप मार दो तो बहुत गलत है बहुत गलत है बहुत बड़ा लेजेंड आप मतलब कुछ लोगों ने इस क्या कह सकते हैं मर्डर किया है और बहुत गलत किया है. बट ये सॉन्ग देखते हैं और इस सॉन्ग के पीछे एक और कहानी भी है. सुनने में आया कि ये सॉन्ग जब इन्होंने बनाया था तो उनके फादर ने कहा था कि इस सॉन्ग को अपनी शादी के बाद रिलीज करना अभी सॉन्ग को स्टॉप कर दो क्योंकि डर है कि तुम्हें पुलिस पहले ही ना अरेस्ट कर ले इस सॉन्ग के रिलीज होते ही. यानी कि इस सॉन्ग में कुछ ऐसे पॉलिटिकल पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है और कुछ ऐसे मोमेंट्स के बारे में डिस्कस किया गया है तो जो कि इतना इजीली इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स या मीडिया प्लेटफॉर्म्स से लोग डिस्कस नहीं करते क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर लोग इतना बात नहीं करते क्योंकि इश्यूज हो जाते हैं. तो देखते हैं ये सॉन्ग क्या है. वेल पंजाबी में नीचे डेफिनेटली सबटाइटल्स होंगे बहुत हद तक हमें आइडिया हो जाएगा. वेल सिद्धू मूसेवाला जी की वॉइस है तो वेल एंटरटेनमेंट तो होगी. तो देखते हैं सॉन्ग कैसा है और सॉन्ग का नेम है SYL. वेल SYL जो है सुतलज यमुना कैनाल जो कि एक रिवर है आई गेस रिवर का लिंक है. तो देखते हैं क्या होने वाला है सॉन्ग. लेकिन सॉन्ग स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर्स आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन ऑल पर क्लिक करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सबटाइटल्स में देखेंगे. लेट्स प्ले. पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ गई 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे ये हमारा वायदा नहीं है गारंटी है. हाय या सिद्धू मूसेवाला बेबी या प्रोड्यूस पर बस थानू साडा पिछो करते साडा लाणा दे दियो चंडीगढ़ हिमाचल ते हरियाणा दे दियो गवाही दे दो फुट्टा बंदी सिंगानू रिहाई दे दो जिन्ना चिर साडे हाथ
ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਨਾਲੇ ਇੱਧਰ ਨਾਲੇ ਉੱਧਰ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਹਿਸਾਬੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਅਰਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤੋਗਲਿਆ ਦੇ ਬਾਣ ਦਿੰਦੇ क्योंकि जब आपका लीगल नोटिस जाता है किसी को कि दैट मीन्स उसमें कुछ इस तरह के पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है जो कि पॉलिटिकल चीज़ों से रिलेटेड हैं और सेम इसमें भी जो सिद्धू मूसेवाला सर हैं उन्होंने क्योंकि पंजाब के अंदर जो पानी का कुछ इस तरह के इशू हैं जो कि इवन पानी तो दूर के बाद हम एक ड्रॉप भी नहीं देंगे बट बात ये नहीं है बात ना पानी की है ना किसी और की है लेकिन अब जिस तरह लास्ट पे लिखा हुआ था कुछ जो सिख प्रिजनर्स को फ्री करो और उससे पहले फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था और कुछ इनके इश्यूज बात सिर्फ एक इस सॉन्ग में तो हाईलाइट इवन यूं किया गया कि पंजाब का जो इशू है कि पंजाब में सेपरेट वहाँ के मोस्टली जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि हमें क्या नाम है हमें अलग वो मूवमेंट है बट सब नहीं चाहते हैं दैट डजंट मीन कुछ लोग चाहते हैं कुछ नहीं चाहते लेकिन ये एक पॉलिटिकल डिबेट है हमारा एंटरटेनमेंट चैनल है हम इस पर तो बात नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि एट द एंड वही होता है जो पॉलिटिशियंस डिसाइड करते हैं ओवरऑल जो डेमोक्रेसी है जो लोग डिसाइड करते हैं लेकिन कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बात करना जैसे अब प्रोटेस्ट हुआ था फार्मर्स का अब चाहे आप पंजाब को एक फ्री स्टेट करो या ना करो सॉवरन करो या ना करो लेकिन मतलब सिख जो फार्मर्स हैं उनको एज अ मतलब वो सड़कों के ऊपर थे पुलिस मार के मतलब मारना नहीं चाहिए आप उनके उनके राइट्स को प्रिजन में मतलब उठा के जेलों में मत बंद कर दो डेफिनेटली वो इंसान है अगर इंसानों की तरह के उनको राइट्स मिलने चाहिए इस तरह मारना नहीं चाहिए लेकिन उस वो एक अलग से जो डिबेट है कि पानी नहीं देना या देना है या अलग करो पंजाब को या नहीं करो ये एक अलग डिबेट है लेकिन जो राइट्स हाँ एक इंसानों के राइट्स जो होते हैं वो मिलने चाहिए और जो कि कभी के बार जो होता है ना जस्टिस नहीं होता कभी क्योंकि हमने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी हैं जो सिख फार्मर्स के ऊपर हम देखते हैं उनके ऊपर ना आंसू गैस फेंकी जाती है उनको बीट किया जाता है वो नहीं करना चाहिए उनको प्रोटेस्ट अगर वो कर रहे हैं तो करने दो उनको और अगर उनके राइट्स हैं कुछ ऐसे जो कि उनके खिलाफ जा रहे हैं वो पूरे होने चाहिए ओवरऑल हिस्ट्री क्या है पूरी वो मुझे नहीं पता टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता उसके लिए आपको बहुत स्टडी करनी पड़ती है ऐसा नहीं होता कि आप एक चैनल एक न्यूज़ चैनल की बात सुन लें
या एक YouTube चैनल की बात कर रहे हैं, आपको पूरी डीपली स्टडी करना पड़ता है, लिटरेचर करना पड़ता है, आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, और एक राइटर की बुक नहीं, आपको हजारों राइटर्स की, क्योंकि हर एक के अपने ओपिनियंस होते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं यही चाहता हूँ कि अच्छे से हो जाए, सब सेट हो जाए, लेकिन क्योंकि सिद्धू मूसेवाला सर का गाना है तो एट द एंड उनकी वॉइस सुनने को मिली है, चाहे उनका मैसेज जो भी है पॉलिटिकल के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने इस तरह की मैसेज भी, इस तरह की बातें भी की हैं कि अगर कोई लंदन में जाके कोई मार सकता है किसी को तो यहाँ पे भी मार सकता है, कुछ इस तरह की बातें भी आने को सोचने को मिलती हैं कि यार क्यों ऐसा क्यों मारा गया, क्या पॉलिटिकल पॉलिटिक्स में आने के बाद मारा गया या पॉलिटिकल इश्यूज या पॉलिटिकल मूवमेंट को एक पुश देने के बाद, कुछ भी नहीं हम कह सकते क्योंकि मर्डरर्स उनके अभी तक नहीं पकड़े गए। वो कहा जा रहा है वो तो जिन्होंने मरवाया वो तो लंदन में बैठे हैं, उनको कहाँ पकड़ सकते हैं लंदन में, कनाडा में, कनाडा हाँ। तो लेकिन हम ये गाना अच्छा है, कोई मैसेज दिया है, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल के ऊपर है, और आई होप आई विश आई प्रे कि यार सब अच्छा अच्छा हो, सारे इश्यू सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन जो एट द एंड मारना इज नॉट अ सोल्यूशन, जेल में बंद कर देना इज नॉट अ सोल्यूशन, कि आपको किसी को मारना नहीं चाहिए। अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो इसका राइट है, आप उसको समझाएं, आप मारें मत, प्रिजन में बंद मत करें, बस इतना करें, बाकी आपको फ्री करना है नहीं करना, पानी देना है नहीं देना, वो एक अलग इशू है। लेकिन ओवरऑल आपका क्या ओपिनियन है सॉन्ग से रिलेटेड, कुछ टॉपिक्स पर हम बात नहीं कर सकते एज एज वी जो भी कुछ पॉलिसीज होती हैं तो हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, एंड वीडियो को करना है शेयर, व्हाट्सएप करें, मैसेंजर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, रखना है अपना ढेर सारा ख्याल, गुड लक।